रिश्तों में जबान का इस्तेमाल, ताल्लुक में जबान का इस्तेमाल, ये इंसान को ऊंचा और नीचा करने वाली बहुत बड़ी चीज। इसलिए जब कभी गुस्सा हो, चुप हो जाओ, बोलना नहीं, बोलना नहीं। गुस्से में आदमी सिर्फ नबी सही बोल सकता है, गुस्से में सिर्फ नबी सही बोल सकता है, बाकी किसी में ये ताकत नहीं कि गुस्से में वो सही बोल सके। लिहाजा चुप हो जाओ, गुजरने दो लहर को, उसके बाद जो कहना चाहते हो कहो, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। लुकमान अलैहिस्सलाम का फरमान है, कभी चुप रहने पे नहीं पछताया, हमेशा जबान के बोल। किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तूने ये जो काम किया ना, ये थोड़ा अजीब लगा है, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं। अगर अल्लाह आपके साथ है, वह हुआ महाकुम ही ना महाकुम, बात खत्म हो गई। क्या मिलना क्या है इस दुनिया में, ये खत्म तो हो जानी है। हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना यार। अगर तुम्हें नजर आए ना कि आपके साथ कहीं ना इंसाफी भी हो रही है, तो सारी अदालतें दुनिया में नहीं लगनी, एक कयामत में भी लगनी है। हाँ, इमाम हसन को जहर दे दिया गया, तो इमाम हुसैन कहने लगे भाई बताओ किसने दिया है। फिर मैं हुसैन, अगर वही वो नहीं जिस पर मुझे शक है, तो मैं किसी आदमी का बिला वजह तुम्हें नाम क्यों बता दूं। कब फिर भाई आप इशारा तो नहीं बता दे, तो फिर मैं हुसैन अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है, तो फिर भी मैंने फैसला अपने रब पे छोड़ दिया। फरमाया मेरे रब से ज्यादा बेहतर फैसले करने वाला कोई मौजूद, कुछ फैसले अल्लाह पे छोड़। और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजजी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो, और देखना गाफिल ना होना।